खा चुकी तो क्या हुआ, अभी मैं और खाऊंगी ठीक है, तुम्हारा भी खत्म कर दूंगी। एक पुरानी कहावत है, अगर किस्मत खराब हो ना तो ऊंट पे बैठे हुए आदमी को कुत्ता काट के चला जाता है। मस्त जोक मारा रे। कुछ अभी मेरे साथ वैसा ही हुआ, रुकिए दिखाता हूँ। इस एप्लीकेशन को ध्यान से देखिए, डिफॉल्ट के अंदर वन आइटम दिखा रहा है और इंपोर्टेड के अंदर जीरो आइटम दिखा रहा है। तो पहले तो आपको दिखा देता हूँ जीरो आइटम का मतलब क्या होता है। अंदर कुछ नहीं है, लेकिन अंदर वन आइटम में क्या होगा, इसके अंदर भी कुछ नहीं है। उस वाले फोल्डर के अंदर मैंने अपनी वीडियो एडिट करके रखी हुई, 6 घंटा लग गया था मुझे एडिट करने में, और पूरे 6 घंटे की मेहनत ये एप्लीकेशन शायद अपने ग्लिच की वजह से बर्बाद कर दिया मेरी। कल तो ये सब कुछ हुआ नहीं था, तो पायल मैडम ने कहा कि चलो भैया मूवी देखने चलते हैं। हमने कहा कौन सी, चलो कैसे की लगी है, इतनी महंगी मूवी बनी है। और उसके बाद भी लोग कह रहे हैं कि इसमें विजुअल सिर्फ सही है और इस मूवी में कुछ सही नहीं, ना एक्टिंग ना डायलॉग बाजी। गाने अच्छे हैं लेकिन गानों की जो प्लेसमेंट हुई है उसकी बुराई कर रहे हैं लोग। कई लोग बोलते हैं मुझसे पर्सनली कि भाई थोड़ा सा बाल वगैरह कटवा लो, और क्या नाम है, थोड़ा सा अच्छे बन जाओ, दाढ़ी वगैरह बनवा लो। छोटी वाले लोग दोबारा रखना चाहता हूँ, इस वजह से अभी थोड़ा बाल ग्रो कर रहा हूँ। हाँ, बड़े बाल रखने का एक और नुकसान है, सर बहुत ज़्यादा दर्द होता है यार। अब ये सब छोटी छोटी चीज़ें हो जाती है, मेरा माइग्रेन वापस आ जाता है। या भाई मूवी को तो मैं बिना देखे जज नहीं कर सकता हूँ, सबका अपना अपना ओपिनियन होता है, जब तक देखूंगा नहीं तब तक बोलूंगा नहीं। लेकिन अगर मूवी मुझे नहीं पसंद आई ना, जाके बाल कटवा लेंगे हमसे, और सर दर्द नहीं झेला जाएगा भाई। जो बात हो गई थे यार, सेंटर कॉर्नर आगे से 7th रो, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवेंथ, ABCD कहाँ लिखा है? What the hell is going on? बताओ हम लोग का वन प्लस का एड दिखा रहे हैं, इनको कोई समझाओ। आईफोन वाले वन प्लस वन प्लस नहीं देखते, स्किप करो 10 सेकंड एक। पायल रहीस हो गई है, PVR का पॉपकॉर्न पेल रही है। उन्हीं की तरह। आई देखो इस आदमी को। अपना पेल जरूर बताती है। हाँ मैं खा चुकी तो क्या हुआ? अभी मैं और खाऊंगी ठीक है, तुम्हारा भी खत्म कर दूंगी। नहीं। देखो आई देखो इनको देखो 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 देखो। अयान मुखर्जी को मुझे 500 रुपया देना चाहिए ये मूवी देखने के लिए। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रे अलकट हंस। सिर्फ 2 लोगों की वजह से पूरी मूवी की मां बहने को गई, आलिया भट्ट और रणबीर कपूर, वही दोनों मेन कैरेक्टर थे यार। जो डायलॉग लिखा है ना, जो राइटर है ना, मुझे उससे पर्सनली मिलना है। मतलब बंदे ने इतनी मेहनत की है, एक पेपर लिया उस पे लिख दिया 100 बार शिवा, और उसके बाद ले जाके आलिया भट्ट को दे दिया, ये लीजिए आपकी ये ब्रह्मास्त्र की स्क्रिप्ट, पल पल में शिवा 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 ये मूवी एक तरह से समझ लीजिए अमिताभ बच्चन जी और क्या नाम है अपने शाहरुख खान, इन सबके मतलब एक्टिंग की इंसल्ट थी एक तरह से। मूवी सही बनी है, स्टोरी वगैरह सब बढ़िया है, ब्रह्मास्त्र का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा दिया हुआ है, लेकिन ये जो 2 मेन कैरेक्टर चूज करके गलती कर दी है ना, ये इनको नहीं करना चाहिए था। काश सही कैरेक्टर चूज कर लिए होते, मेरे बाल बच जाते आज। ये वीडियो बना के मैं अपलोड कर ही रहा होता हूँ कि तभी आदि पुरुष का ट्रेलर लॉन्च हो जाता है। पता नहीं क्यों मुझे अचानक से ब्रह्मास्त्र बहुत अच्छी मूवी लगने लगती है।
जिस हिसाब से जो ट्रेलर टीजर जो भी इन्होंने लॉन्च किया है बवासीर उस हिसाब से यार ब्रह्मास्त्र मूवी बहुत अच्छी है। उनका खर्चा कम से कम दिखता तो है कि 400 करोड़ कहीं पे लगाए हैं उन्होंने, इधर तो पता नहीं कहाँ 500 करोड़ रुपए कहाँ नाली में बहा के चले आए। इधर हमको लगता है 500 रुपए बोले होंगे किसी VFX किसी चौराहे के छपरी को, साइबर कैफे वाले को पकड़ लिए होंगे, कहेंगे बेटा ये लो रॉ फुटेज ये रही सबकी, मिक्स करके बना दो जो बनाना है। आप जाके अभी आदि पुरुष का ट्रेलर देखिए, मेरा नया चैनल है तो कॉपीराइट क्लेम की वजह से मैं अभी उस ट्रेलर का उस टीजर का कोई भी पार्ट डालूंगा नहीं, क्लेम आ सकता है और क्लेम से हमको लगती डर जो बात साहब होता कुछ नहीं है लेकिन डर लगती है। ट्रेलर के साथ क्या क्या गलतियां हैं क्या क्या बुराई है मैं क्या बताऊं, आप जाके खुद देखिए। सबसे पहले तो बात करते हैं VFX की। मूवी के VFX इतना घटिया है जिसकी कोई हद नहीं। देखा जाए तो रामायण की कोई मॉडर्न डे अडेप्टेशन अभी मार्केट में इंडस्ट्री में नहीं आई है। इन्होंने ट्राई किया ये बहुत अच्छी बात है लेकिन बहुत गलत ट्राई कर दिया यार, पैसा बर्बाद करा दिन 500 करोड़ रुपया को पैसा बर्बाद पहन चोर। दूसरी चीज अब मूवी में जाके देखिए प्रभास जो है हमारे बाहुबली प्रभास एक्टर उनको बनाया गया है श्री राम और सैफ अली खान को बनाया गया रावण। तो श्री राम का जो वो रोल कर रहे हैं राम जी के कैरेक्टर हमारे सीधे साधे मर्यादा पुरुषोत्तम राम उनको बोला जाता है और बाहुबली वाला कैरेक्टर उन्होंने लग रहा है ऐसे मतलब टीजर देख के लग रहा है जैसे वो वाकई में मूवी में भी बाहुबली बने हुए और राम जी के कैरेक्टर से वो मैच दिखा रहे हैं पता नहीं क्यों। दूरदर्शन पर रामायण आती थी आप सबने देखा होगा तो सही राम जी का किरदार वहाँ निभाया गया है यहाँ नहीं। दूसरी चीज़ रावण सब कुछ था छपरी नहीं था। मूवी में इन्होंने रावण को छपरी बना दिया, ये ऐसे बाल किए एकदम खड़ा खड़ा बाल साइड में से कट बड़ी बड़ी दाढ़ी एकदम बढ़िया शेप। मेरी मानो अभी भी ब्रह्मास्त्र थिएटर में लगी हुई है आदि पुरुष देखे ना जाओ यही का देखे चले जाओ, बढ़िया मूवी है। जिस हिसाब से आजकल लॉन्च हो रही है मूवीज उस हिसाब से तो बहुत ही बढ़िया मूवी है ब्रह्मास्त्र, देखे चले जाओ आदि पुरुष देखे ना जाना। अभी तो टीजर रिलीज हुआ है अभी ट्रेलर रिलीज होने में हो सकता है और समय लग जाए, हो सकता है मूवी रिलीज होने में और ज़्यादा समय लग जाए क्योंकि रिव्यू बहुत ख़राब मिला। अब की बार आप हमें देखेंगे ना सर पे बाले नहीं होगा।